तो दुनिशा शर्मा आत्महत्या प्रकरण में वाली पुलिस स्टेशन, वसई की जो वाली पुलिस स्टेशन है, लगातार जांच कर रही है और ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, एक और बड़ा अपडेट आया। आपको बता दें, दुनिशा शर्मा के आत्महत्या प्रकरण में आरोपी शिजान खान से वाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, लेकिन वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के चीजों को बार बार अपने बयान बदल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की वीडियोग्राफी करा रही है उसके बयानों की, लेकिन वो पूरे प्रकरण में स्पष्ट नहीं बोल रहा है, हर बात को घुमा फिरा के बोल रहा है। यानी एक एक्टर जो है उसका उसके टैलेंट का फायदा ले रहा है, वो पुलिस स्टेशन में भी एक्टिंग कर रहा है। दुनिशा शर्मा की जो अंतिम उनको विदाई दी गई थी, उसके एक दिन पहले उससे पूछा गया था कि कल जो है दुनिशा शर्मा के अंतिम विदाई है, तो इस समय वो रोने लगा था, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि वो पूछताछ को लेकर रोया है, दुनिशा शर्मा को लेकर वो नहीं रोया। तो अब जानकारी मिली है कि पुलिस के जांच में वो सामने ये आया है कि मृतका दुनिशा शर्मा ने फांसी लगाने से कुछ देर पहले आरोपी शिजान खान से बातचीत की थी, जैसा कि हमने आपको बताया है। और पहले हम ये शक जाहिर कर चुके हैं कि दुनिशा शर्मा के आत्महत्या के थोड़ी देर पहले कुछ तो हुआ है जिसका राज फांस नहीं हो रहा है। ये हम आपको डे वन से बता रहे हैं कि दुनिशा शर्मा की आत्महत्या प्रकरण में आरोपी जो है शिजान खान ने क्या ऐसा क्या काम किया था जिसके बाद इतनी हर्ट हुई दुनिशा की, उसने आत्महत्या कर लिया। अभी तक इस पहलू पर पुलिस जांच कर रही, लेकिन उस पर कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाई है। और जो आरोपी है शिजान खान, वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि जब लंच के बाद दुनिशा और उसके बीच साथ में लंच हुआ, लंच के बाद जब दुनिशा उसके कमरे में गई है तो वहाँ पे क्या हुआ है, क्या उसने कुछ बुरा बर्ताव किया, क्या उसने दुनिशा को मारा, क्या उसने पिटाई की, क्या उसने गाली दी या फिर झिड़का, या उसने ये कहा होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरी दुनिया से चली जाओ, इस तरीके के क्या उसने डायलॉग मारे हैं क्या, दुनिशा आखिर इतनी तेजी में क्यों उसने हर्ट हुई और क्यों उसने सुसाइड किया, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा शिजान खान, वो अभी कोई भी बात जो है वो सामने पुलिस को सही नहीं बता रहा है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखते हैं कि शिजान खान अपनी उस दिन की घटनाक्रम के बारे में कब खुलासा करता है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। तो तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, मेट्रो सिटी समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले।